गाइज आप लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एप्पल के आईफोन 12 128 GB की कीमत इंडिया में 80,000 रुपए है, जबकि उसकी रियल प्रोडक्शन कॉस्ट मात्र 30,000 रुपए ही है। मजे की बात यह है कि यही फोन यूएस में 58,000 रुपयों में बिक रहा है, पर सवाल यह है कि 30,000 रुपए की प्रोडक्शन कॉस्ट वाला फोन आखिर इंडिया में 80,000 रुपए का यानी कि इतना महंगा क्यों बिकता है? चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि एप्पल खुद अपने प्रोडक्ट्स पे 50% तक की प्रॉफिट मार्जिन रखता है, यानी कि अगर किसी आईफोन की कीमत यूएस में 60,000 रुपए होगी तो 30,000 रुपए उसकी कॉस्ट होगी और 30,000 रुपए एप्पल का प्रॉफिट मार्जिन होगा। लेकिन इसके अलावा जब ये फोन इंडिया में आता है तो उस पर 18% की GST और 30% की इम्पोर्ट ड्यूटी लग जाती है, और इसी वजह से 30,000 रुपए का फोन 80,000 रुपए में बिकता है। एप्पल दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनीज में से एक। स्टीव जॉब की इस कंपनी के लोगो डिजाइन करने वाले से जब ये पूछा गया कि तुमने इसका लोगो डिजाइन कैसे किया, तो उसकी स्टोरी सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। उसने कहा कि लोगो डिजाइन करने के लिए उसने एक एप्पल का बास्केट मंगवाया और उसे आइडिया लेके लोगो डिजाइन कर रहा था, लेकिन कुछ अच्छा लोगो मिल ही नहीं पा रहा था। थक हार के उसने एप्पल का एक बाइट लिया और जब उसे ध्यान से देखा तो उसे पन्ने पर ड्रॉ कर दिया। जब उसे पन्ने पर ड्रॉ किया तो उसने सोचा कि ये आइडिया बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में एक टर्म होती है बाइट, जो कि एप्पल की बाइट से थोड़ा बहुत मैच करती है। तो उसने सोचा कि इससे अच्छा आइडिया और क्या हो सकता है। एप्पल कंपनी का नाम सिर्फ उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए ही नहीं बल्कि एप्पल कंपनी की सोच की वजह से भी है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक्चुअली एक बार क्या हुआ कि एप्पल कंपनी के आईफोन 11 की एक मोबाइल के बैक साइड में एप्पल का लोगो मिसप्रिंट हो गया। अब एप्पल कंपनी वाले चाहते तो इस फोन को फेंक सकते थे यह कह के कि यह तो एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इसे कौन खरीदेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये एरर एक बड़ी ही यूनिक और ओड एरर है, 100 मिलियन मोबाइल्स में किसी एक फोन में ऐसा होता है, और ये कह के उन्होंने इसकी बोली लगाई और उसी फोन को दुगने दामों में बेचा। गाइज इसका मतलब ये है कि उन्होंने मिस्टेक नहीं मानी बल्कि उसी मिस्टेक को यूनिक कह के उस मोबाइल को बेचा। गाइज क्या आपको पता है कि इंडिया में ऑन एन एवरेज एक बंदा एक महीने में 30,000 रुपया कमाता है, वहीं अगर हम बात करें यूएस की तो वहां पर एक बंदा ऑन एन एवरेज एक महीने में $3600 कमाता है। अब कमाई के इस फर्क को समझने के लिए एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि इंडिया में अगर कोई बंदा आईफोन 13 खरीदना चाहे और अगर वो ऑन एन एवरेज एक महीने में 30,000 रुपया कमा रहा है तो उसे आईफोन 13 खरीदने में 3 महीने की कमाई लगेगी। वहीं अगर कोई बंदा यूएस में आईफोन 13 खरीदना चाहता हो और अगर वहां पे वो $3600 पर मंथ कमा रहा हो तो उसे सिर्फ 8 या 9 दिन ही काम करना पड़ेगा। गाइस ये फर्क है और इसी वजह से लोग यूएस जाना चाहते हैं। आपको ये अमेजिंग फैक्ट जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। एलन मस्क जो कि रिसेंटली ही अमीर लोगों की सूची में नंबर 1 पर आ गए थे, उसकी वजह आप जानते हैं? उसकी वजह है टेस्ला कंपनी और उसके बढ़ते हुए शेयर प्राइसेस। लेकिन क्या आपको पता है कि एलन मस्क ने एक बार ट्वीट करते हुए लिखा था कि जब टेस्ला कंपनी के बुरे दिन चल रहे थे तब एलन चाहते थे कि एप्पल कंपनी टेस्ला को एक्वायर कर ले, लेकिन एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक ने एलन मस्क से मिलने तक से मना कर दिया था। और आज टेस्ला कंपनी दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कार कंपनी है, जिसकी वजह से एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में इतने ऊपर पहुंच गए हैं। गाइस समय का पहिया है, एक बार जरूर घूमता है, ये सबको ध्यान रखना चाहिए। गाइस क्या आपको पता है कि गूगल 12वां सर्च इंजन था? इससे पहले 11 सर्च इंजन आए और चले गए, लेकिन आज भी गूगल का ही नाम है। इसी तरह से आईपैड भी 12वां टैबलेट था, फेसबुक 10वीं सोशल नेटवर्किंग साइट थी, टेस्ला वो पहली कंपनी नहीं थी जिसने इलेक्ट्रिक कार बनाई, और अमेज़न भी वो पहली कंपनी नहीं थी जिसने ऑनलाइन बेचना शुरू किया। इससे पहले बहुत लोग आए और चले गए, लेकिन आज इन्हीं का ही नाम है। कहने का मतलब ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने पहले शुरू किया, बल्कि इससे फर्क पड़ता है कि जब मार्केट तैयार था, जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी थी, तो किसने सही तरीके से शुरू किया। एप्पल कंपनी की वर्थ आज $2 trillion से भी ज्यादा है और ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है। पर सवाल ये उठता है कि एप्पल कंपनी आखिरकार यहाँ तक पहुंची कैसे? चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी तो वे सिर्फ ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते थे जैसा वो सोचते थे। वो एक फ्यूचरिस्टिक थिंकर थे, वो कस्टमर के बारे में नहीं सोचते थे कि कस्टमर उनका प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, वो सिर्फ भविष्य को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट बनाते थे, और यही सोच कंपनी में आज भी है। एप्पल कभी नहीं सोचता कि उनका प्रोडक्ट कस्टमर खरीद पाएगा या नहीं खरीद पाएगा। वो कभी प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो बेचते हैं अमीरी, दिखावा, डिजाइन, सिक्योरिटी, बेहतरीन फीचर्स। इसी वजह से एप्पल आज यहां तक पहुंचा है।
गाइस, आपका एप्पल के प्रोडक्ट्स के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।